देवभोग में आज शाम हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब मूंगझर के कश्यप पारा में दिनेश यादव के खेत में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 22 मजदूर बेहोश हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ सेकंड तक वहां मौजूद मजदूरों के आंखों के तले अंधेरा छा गया। इस दौरान सभी ने संभल कर एक दूसरे को उठाना शुरू किया। सभी मजदूर बारी बारी से उठते गए लेकिन 50 वर्षीय अधेड़ मनबोध नागेश उठ ना सके और वहां अचेत अवस्था में ही थे। और अन्य मजदूर ललिता, मिल्को, हिरेंद्री, जितेंद्र, परमन और शांति भी अचेत पाए गए। गांव में चीख पुकार मचते ही ग्रामीणों की सुरक्षा पर तत्काल मौके पर संजीवनी वाहन पहुंची और सभी को इलाज के लिए देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। वहीं मामले में BMO डॉक्टर अंजू सोनवारी ने चर्चा करते हुए बताया कि मनबोध नागेश गाज की चपेट में आने से बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था, जिसकी मौत हो गई है। बाकी अन्य 6 लोगों की हालत सामान्य है, सभी का इलाज जारी है। गणवर्ध बेसरा की रिपोर्ट।